उत्तर प्रदेश के 240 मदरसों की मान्यता अब खत्म होने जा रही है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद को यह सूची भेजी है। इसमें दर्ज अधिकांश मदरसों का संचालन नहीं हो पा रहा है। तमाम मदरसों ने मानक से कम विद्यार्थी होने के कारण यूडाइस पर उनके दस्तावेज अपलोड नहीं किए हैं और कई मदरसों ने तो खुद ही बोर्ड से मान्यता खत्म करने का अनुरोध किया है। दरअसल प्रदेश में बोर्ड से तैतानिया कक्षा 1 से 5, फोकानिया कक्षा 5 से 8 और आलिया और उच्च आलिया स्तर यानी कि हाई स्कूल या इससे ऊपर के 16,460 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं। इनमें सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त 560 मदरसे हैं। बता दें कि मदरसा बोर्ड की परीक्षाओं में हर साल परीक्षार्थियों की संख्या घटती जा रही है। इस साल प्रदेश भर के मदरसों से सिर्फ 1,72,000 आवेदन आए थे। इसकी वजह मदरसा बोर्ड के नए नियम को माना जा रहा है। इसके तहत अन्य बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए आलिम्स में आवेदन करने के लिए हाई स्कूल और कामिल में आवेदन करने के लिए इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा में उर्दू अरबी फारसी से उत्तीर्ण होना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं मदरसा बोर्ड की रजिस्ट्रार डॉक्टर प्रियंका अवस्थी ने बताया कि मऊ के 10 मदरसों ने खुद ही मान्यता समाप्त करने के लिए बोर्ड को पत्र भेजा है। अंबेडकर नगर में 204 मदरसे नहीं चल रहे हैं। वहीं लखनऊ के 4 मदरसों ने विद्यार्थियों के दस्तावेज अपलोड नहीं किए। वहीं सूची में अमरोहा और संत कबीर नगर के मदरसे भी शामिल हैं और मदरसा नियमावली 2016 के मुताबिक तैतानिया से मुंशी मौलवी तक की मान्यता के लिए मदरसे में कम से कम 150 विद्यार्थियों का होना अनिवार्य है। इनमें मुंशी मौलवी में 30 से कम विद्यार्थी नहीं होने चाहिए। इसके अलावा आलिम कामिल और फाजिल की मान्यता के लिए कम से कम 10 विद्यार्थियों का परीक्षा में शामिल होना जरूरी है, लेकिन मदरसा बोर्ड के छात्रों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द लीडर हिंदी।